मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 3 का चौथा भाग हम देख लेते हैं। पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा रुपये 105 है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा रुपये 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा? तो इसमें ये बताया गया है कि एक टैक्सी का जो भाड़ा है वो एक नियत है, फिक्स है। उसके बाद भी यदि किलोमीटर, हम जितने किलोमीटर जाते हैं उसके हिसाब से पैसे उसके अंदर जोड़ के कुल पैसे दिए जाते हैं। तो हमने मान लिया है कि नियत भाड़ा क्या है, वो एक्स रुपए है, और पर किलोमीटर पर वो चार्ज जो अलग से करता है वो वाई रुपए करता है। तो यदि वो 10 किलोमीटर जाता है तो नियत भाड़ा तो उसका लगेगा ही, एक्स रुपए तो उसको देने ही देने पड़ेंगे। प्लस कितने किलोमीटर जाता है उसके ऊपर निर्भर है। पहले वो जाता है 10 किलोमीटर, अब प्रति किलोमीटर भाड़ा हमने वाई मान लिया, अर्थात 1 किलोमीटर जाने के लिए उसके वाई रुपए देने पड़ेंगे। तो 10 किलोमीटर जाने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे? 10 वाई और देने पड़ेंगे। 1 के लिए वाई, 2 के लिए 2 वाई, 3 के लिए 3 वाई, और 10 किलोमीटर के लिए 10 वाई। इन दोनों को मिला के वो कुल कितने रुपए देता है? 105 रुपए देता है। ये हमारे पास पहला समीकरण आ गया। यदि वो जाता है 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर जाता है तो नियत भाड़ा उसको देना ही देना पड़ेगा। जमा 15 किलोमीटर के हिसाब से वाई का क्या बन गया? 15 वाई, और कुल देगा वो 155। ये हमारे पास प्रश्न में दो स्टेटमेंट दे रखी हैं और दोनों से हमारे पास क्या बन गए? समीकरण बन गए। इनके आधार पर हम प्रतिस्थापन विधि से हल निकालेंगे। देखिए, पहले समीकरण नंबर 2 को 15y को ले जाए, x बराबर क्या बच गया? 155 / 15y। अब इसमें यदि हम ले x का ये मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, यह मान समीकरण नंबर 1 में रखें x का, हमारे पास क्या आ गया? 155 / 5y जमा ये वाला 10y और बराबर किसके बच गया? 105 के। अब 155 को उधर ले जाओ, ये 15y था, सॉरी यहाँ पे 15y है, 15y था, ठीक है। तो 155 / 15y जमा 10y बराबर 105 है, बच गए। अब यहाँ से yy है, बाकी सबको उधर ले जाओ, घटा का 15y इधर छोड़ दिया, जमा का 10y भी छोड़ दिया, इधर 105 था और घटा का 155 उधर चला गया, जोड़ का था उधर जाके घटा का हो गया। यहाँ से घटा का 5y बच गया और इधर से घटा का 50, और y बराबर यहाँ पे कितना आ गया? घटा 50 बटे घटा का 5, इसको काटेंगे 5 × 5 = 50, y बराबर कितना आ गया? 10। अर्थात प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना आ गया? 10 रुपए हमारे पास आ गया। अब y का ये मान इसके अंदर रख देते हैं, हमारे पास क्या है यहाँ पे? x बराबर 155 / 15y, अर्थात x बराबर 155 / 15 × 10, y का मान 10 आया ना, 10 रख दिया, तो 155 / 150, ये x का मान आ गया, तो x बराबर कितना आ गया? 5। अब x का मान हमारे पास कितना आ गया? 5, अर्थात जो नियत भाड़ा था वो कितना था? 5 रुपए था। अब वो आगे प्रश्न में पूछ रहा है कि 25 किलोमीटर जाने के लिए उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा। अब 25 किलोमीटर के लिए समीकरण बना लेते हैं। अब यहाँ पे 25 किलोमीटर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? भाड़ा लगेगा, कितना लगेगा? अब नियत भाड़ा है ही उसका x जमा पर किलोमीटर y, और y का हमारे पास जो मान आया उसको 25 से गुणा करेंगे, 25 किलोमीटर जाना है। तो यहां से अब क्या आ गया? x का मान हमारे पास कितना था? 5 जमा 25 गुणा y किस गया? 10। 5 जमा 25 गुणा 10 हमारे पास हो गया, अर्थात 5 जमा 25 दें 250, और 250 में 5 जोड़ेंगे, 255 रुपए उसको 25 किलोमीटर जाने के लिए देना पड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास स्टेटमेंट से पहले समीकरण बनाए थे, समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना था, हल करने के बाद भी एक प्रश्न और जोड़ रखा था कि 25 किलोमीटर जाने के लिए कितना भाड़ा लगेगा। तो जितना भाड़ा लगेगा वो एक्स वाई का मान एक और समीकरण बना के उसमें रखने पर हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो आशा है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह के और प्रश्न देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।